प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि को बड़ी सौगात देते हुए वर्चुअली रूप से पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर दिया है। यह ट्रेन दिल्ली से देहरादून के बीच नियमित रूप से चलेगी। वहीं वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विधायक आदेश चौहान सहित साधु संत शामिल हुए। वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन कार्यक्रम को वर्चुअली रूप से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है वो बहुत सराहनीय है। यह इस देवभूमि की पहचान को संरक्षित करने के लिए भी अहम है। देवभूमि आने वाले समय में पूरे विश्व की आध्यात्मिक चेतना के आकर्षण का केंद्र बनेगी। हमें इस सामर्थ्य के अनुरूप भी उत्तराखंड का विकास करना होगा। वहीं खेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कार्यक्रम को लेकर कहा कि देवभूमि को पहली वंदे भारत ट्रेन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। आगे भी डबल इंजन की सरकार में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होगा। आज बहुत ही पावन दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवभूमि तपोभूमि उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन को आज फ्लैग ऑफ किया है। बहुत बहुत प्रधानमंत्री जी को साधुवाद। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि ये पहली ट्रेन है तो ज़रूर इसके बाद में भी रेलवे का जबरदस्त विकास उत्तराखंड में होता रहेगा। उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है रेल मंत्रालय द्वारा और उसमें यहाँ के लोगों ने सहभागिता किया और उसके लिए हम सबको धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे उत्तराखंड की जनता को काफी लाभ पहुंचेगा। इस कार्यक्रम में शामिल योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि देवभूमि को वंदे भारत ट्रेन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को सौगात दी है। भारत जिस गति और प्रगति से आगे बढ़ रहा है वह गौरव की बात है। वहीं स्थानीय विधायक ने कहा कि देवभूमि को अनमोल उपहार देने के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद। आगे भी देवभूमि का विकास होगा। गौरव की बात है कि वंदे भारत ट्रेन उसका देहरादून से दिल्ली तक का ये जो प्रारंभ है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको हम राष्ट्र ऋषि कहते हैं, राष्ट्र का गौरव कहते हैं, ऐसे श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सौगात दी है उत्तराखंड को, पूरे हिमालय को, चार धामों को। अभी तक हम लोगों ने जापान की ट्रेन, अमेरिका के अंदर कहीं ट्रेन हमको किताबों में फिल्मों में ही देखा करते थे। आज वो प्रत्यक्ष में भारत के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये करिश्मा है नरेंद्र मोदी जी के करिश्मा है नेतृत्व का कि जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। आज हमारे रेलवे स्टेशन को जिस तरह से सुसज्जित किया जा रहा है, आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन देखिए, पहले क्या था और आज क्या है, तो ये पूरा परिवर्तन पूरे देश के अंदर हो रहा है, पूरा विश्व महसूस कर रहा है। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत की जय जयकार हो रही है, माँ भारती की जय जयकार हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जय जयकार हो रही है। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।